प्रथम तहलका न्यूज। पानीपत के समालखा के गांव खलेला में बीते दिनों मछली तालाब के पास बड़ी ही निर्दयता से किए गए मर्डर का डीएसपी सतीश वत्से ने पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल बड़े ही निर्मम तरीके से किए गए इस मर्डर के बाद सीआईए वन हरकत में आई थी और मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्यारे को दीवाना गांव से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जहां हत्यारे ने दीवाना गांव के कुछ लोगों के सामने खुद ही कबूल किया कि हत्या उसने की है। वहीं डीएसपी सतीश वत्से ने मामले का पर्दाफाश करते हुए कहा कि हत्यारे ने सीआईडी और क्राइम पेट्रोल देखकर आपस में हुई कहा सुनी और लड़ाई झगड़े के चलते कुदाल से निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया और क्राइम पेट्रोल सीरियल देखकर उसी तरीके से हत्या कर शव को दफनाने की भी कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि आरोपी वारदात को अंजाम देते समय कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। वही गलती राम ऋषि नामक हत्यारे ने भी की, जिसके आधार पर सीआईए की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। डीएसपी सतीश वत्से ने बताया कि हत्यारे को अदालत में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है ताकि आरोपी से अन्य पूछताछ भी की जा सके। 15/9/2020 को थाना समालखा में एक सूचना आई थी कि गांव खलीला के खेतों में एक मछली पालन का तालाब है, उसके पास किसी एक गड्ढे में डेड बॉडी दबी हुई है। तो इस सूचना के आधार पर FIR दर्ज करके उस बॉडी को निकाला गया तो पता लगा कि बड़ा ब्रूटली उसकी हत्या की गई थी। टांगें काटी गई थी, पेट का को भी बुरी तरीके से फाड़ा गया था और गर्दन में भी उसकी कस्सी लगी हुई थी। तो ये इस पर FIR दर्ज करके हमारी थाना समालखा की पुलिस और CIA 1 की टीम को हमने इसमें लगाया था। तो कल इसमें राम ऋषि नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ करने पर पता चला कि ये जो मछली का तालाब है वो किसी संदीप का है, देवाना गांव के। उस पर ये करीब 6 महीने से नौकरी करता था और करीब 20-25 दिन पहले जो ये मृतक है देवी सिंह नाम का, जो करनाल जिले का रहने वाला है, ये भी वहाँ पर नौकरी करने आता है। इनकी आपस में आपसी बातों को लेकर कहा सुनी थोड़ी लड़ाई टाइप सी रहने लग जाती है और फिर ये रंजिश रखने लगता है ये राम ऋषि। तो 12 तारीख को इसने जब इनका झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया दिन के समय 3-4 बजे, इसने कस्सी कुदाला के साथ इसकी हत्या कर दी और इसको इसकी बॉडी के पैर बांध के ये नज़दीक के जो खड्डा था उसमें ले गया और वहाँ पर इसको उसकी टांगें काटी, उसमें खड्डा छोटा था उसमें एडजस्ट करने के लिए टांगें काटी और पेट फाड़ा ताकि बॉडी इसकी कभी इस पर तालाब में पानी आ जाए तो बॉडी ऊपर ना आए। तो इसने बड़े बुरे तरीके से उसको फिर उस पर मिट्टी डाल दी। तो कल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 दिन के पुलिस रिमांड पर कोर्ट में पेश करके इसको लिया गया है ताकि हम फर्दर उसकी जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो रिकवर किया जा सके। मर्डर करने की वजह यही थी सर, छोटे मोटे झगड़े बोले। हाँ, झगड़े। और दूसरा एक इसने अहम बात बताई कि ये क्राइम पेट्रोल देखता था, उससे थोड़ा सा ये मोटिवेट हो गया कि भाई मर्डर करें तो उसको कैसे डेड बॉडी को छुपाएं, उससे भी मोटिवेटेड था, उसका भी बड़ा इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट। सर पिछला भी कोई रिकॉर्ड मिला है सर? पिछला रिकॉर्ड के लिए हमने लेटर भेजा है कि बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला है तो वहाँ से रिकॉर्ड आएगा कि कोई प्रीवियसली कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। वहीं हत्यारे राम ऋषि ने मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल किया और खुद बताया कि उसने इस पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया। आपको बता दें कि मृतक देवी सिंह करनाल का रहने वाला था और वही हत्यारा बिहार के पूर्णिया जिले का रहने वाला है, जो समालखा के गांव दीवाना में मछली तालाब पर नौकरी करता था। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।